क्या मैसेज क्या देना चाहूँगा? देखिए ऐसा है कि डेरा सच्चा सौदा में हमने कितनी बार देखा है कि कितने रिकॉर्ड जो है ये लोग ब्रेक करते हैं, मानवता के जितने भी काम हैं। आज भी आपने देखा होगा कि किस तरह से जो सर्दियों का मौसम पास में आ रहा है तो जो गरीब लोग हैं उनको कैसे कंबल बांटे जा रहे हैं, चाहे हम ब्लड डोनेशन की बात करें, चाहे हम साफ़ सफाई की बात करें। तो मानवता के जितने भी काम हैं वो अनुयायी जो हैं वो सब साथ संगत जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाती है, और सबके अंदर ये भावना रहती है कि हम मानवता को आगे लेकर चलें, हम जो है वो एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ प्यार प्रेम से जो है वो आगे बढ़ें। पंचायतें भी नहीं आ चुकी? नहीं, सरकार की तरफ से ही कोशिश है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जैसे पहले ये कहा है कि नशे को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा संजीदा है, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, हमारी भी मेरी भी बहुत ज़्यादा कोशिश रहती है, और हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चे जो हैं वो नशे से दूर रहें। हम सभी सरपंचों से भी, मैं हर गांव में जा रही हूं, अभी मैं कल भी मैं बहुत से गांव में गई थी, आज भी बहुत से गांव में, अभी बोदी वाली गाँव जाके आई हूं, अभी अक्का वाली गाँव जाना है, और भी बहुत से गाँव जो हैं उनका दौरा कर रहे हैं, सरपंचों के साथ मिल रहे हैं, और उनको हम इस बात के लिए ताकीद कर रहे हैं कि वो अपने गाँव के अंदर जो है एक छोटी सी इकाई, जो सबसे छोटी सरकार जो होती है वो पंचायत होती है, तो वो अगर अच्छी तरह से तरीके से जो है वो ध्यान करेंगे तो मुझे लगा कि हम सब मिलकर जो है, सभी जो संस्थाएं हैं, सरकार है और जो जनता है, ये सब मिलकर अगर काम करेगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम नशे को जड़ से उखाड़ लेंगे। मैडम, यहाँ कैसा उत्साह लगा आपको, जो पब्लिक आई है कैसा उत्साह लग रहा है? नहीं बिल्कुल, बहुत यहाँ पर जो सभी अनुयायी हैं, साथ संगत है, उनके अंदर जो है प्रवचन सुनने के लिए एक जिज्ञासा रहती है, और इसके साथ साथ जो भी काम उनको सौंपा जाता है वो काम जिस शिद्दत के साथ पूरा करते हैं, तो मुझे लगता है वो हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। बिल्कुल, आपको जो नई पंचायतें बनी हैं आप देखना कि, क्योंकि एक तो उसके अंदर युवा और ऊर्जावान हमारे सरपंच बने हैं, और इसके साथ साथ बहुत सी महिलाएं बनी हैं, 50% क्योंकि रिजर्वेशन है तो उसके अंदर महिलाएं भी बहुत संख्या में बनी हैं, तो आप जो है ज़रूर महसूस करेंगे, अंतर महसूस करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो नई पंचायत है वो सफाई की तरफ भी पूरा ध्यान देगी, गाँव के विकास की तरफ भी पूरा ध्यान देगी, सरकार उनके साथ। आपने संसद में नशे को लेकर बात की है, नशे को लेकर मेरा सबसे छोटा हमेशा नशे के खिलाफ निकल रहा है, उसकी वजह से कई आरोप उनके ऊपर भी लगते रहे हैं, जो आप सिरसा के सांसद हैं और सिरसा पंजाब के साथ उनकी वजह से गढ़ हो गए, डेरे का क्या सहयोग आप ले सकते हैं नशे को रोकने के लिए? देखिए सफाई में भी हम डेरे का हमेशा योगदान लेते हैं, और बड़ा बढ़ चढ़ कर जो है हमारी साथ संगत जो है वो सफाई के अंदर एक किसी भी जिले को अगर पकड़ लेते हैं कि इस जिले की सफाई करनी है, तो आप देखिए 2-4 दिन के अंदर अंदर उनकी काया पलट हो जाती है। उसी तरह से भी नशे को भी जो है हमारा सच्चा डेरा सच्चा सौदा जो है वो एक बहुत बड़ा मुहिम लेकर चल रहा है, सरकार जब मिलेगी, संस्थाएँ मिलेंगी, और जब छोटी पंचायत मिलेगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग कामयाब होंगे और नशे को जड़ से समूल नष्ट करेंगे। कहा कि डेरा सच्चा सौदा नशे को लेकर बहुत बड़ी मुहिम है, लेकिन कहीं भी अगर संसद की बात करें तो इसी भी सत्र में डेरा सच्चा सौदा का कोई भी जिक्र नहीं किया जाता कि उसकी तरह और भी मुहिम चलाई जाए। देखिए ऐसा है कि संसद के अंदर किसी पर्टिकुलर किसी इंसान का, किसी संस्था का इस तरह की चर्चा करना जो है वो थोड़ा निषेध रहता है, वहाँ पर कुछ कोई सिस्टम होता है जिसके तहत आप जो है वहाँ पर जो रिकॉर्ड होती है, हर चीज़ रिकॉर्ड होती है, तो वहाँ पर आप ऐसे, क्योंकि आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि शायद लाखों के संख्या में संस्थाएँ होंगी, और हर संस्था अपने हिसाब से काम करती है, तो हम अगर एक संस्था का नाम लेने लगेंगे तो दूसरी संस्था इस बात का ऑब्जेक्शन कर सकती है कि हम भी काम कर रहे हैं, हमारा नाम क्यों नहीं लिया जाता। इसलिए हम लोग कलेक्टिवली कोई भी बात करते हैं तो सब मिलके, सभी संस्थाएं, सरकार और हमारे आम नागरिक अगर मिलेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम नशे को जड़ से खत्म करते हैं। मैडम जी, मैडम जी, लेकिन क्या कारण है कि सार्वजनिक मंच पर डेरे का नाम नहीं लिया था, संसद में नहीं रहते कोई बात नहीं, सार्वजनिक मंच पे तो ये डेरे को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। नहीं, देखा ऐसा है कि डोनेशन में, आई डोनेशन में, मोटे डोनेशन में मैडम डेरा बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम कर रहा है, इस वजह से जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो सार्वजनिक मंच पर कतराते हैं मैडम डेरे का नाम। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, जो काम अच्छा होता है वो किसी भी संस्था का क्यों ना हो हर कोई लेता है, और हर किसी को लेना भी चाहिए, जो काम अच्छा हो रहा है, जो आपको आंखों से दिख रहा है। अब देखिए चाहे मैं बात करूं, अभी आपके सामने कितने जो गरीब महिलाएं हैं, कितनी गरीब जनता है, उनको कंबल बंट रहे हैं, सबको दिख रहे हैं कंबल बंट रहे हैं, ब्लड डोनेशन के कैंप लगते हैं वहाँ पर, जो है हजारों हजारों यूनिट वहाँ पर ब्लड डोनेट होता है, सबको दिखता है, तो देखिए जो दिखता है उसके बारे में।